कश्ती चलाना सीखो समुंदर के उफान में जमीन पर ही नहीं उड़ान भरो आसमान में और मुसीबतों से हार कर कभी बुझना नहीं बल्कि ऐसा चिराग बनो जो जलता रहे तूफान में नमस्कार दोस्तों आपके अपने जे क्लासेस मिनट परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं यहाँ पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जे क्लासेस मिनट परिवार आपके लिए करा रहा है तो आप सभी स्टूडेंट जो भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने सभी फ्रेंड्स को भेज दें ताकि वो भी इस क्लास के साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को और ज्यादा शार्प कर सके चलिए बच्चों आपका ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को आज के क्लास में हमें पढ़ने जा रहे हैं हम फिजिक्स और केमेस्ट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं यहां पर अगर ध्यान दे बच्चे तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर के पिंड का तवरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ है ना वो आपसे पूछ रहा है कि वालोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो अगर शो करना है और आपको बताना है क्या बता रहे हैं तवरण शून्य होगा है ना तवरण को रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट मिनट हाँ जी देखो तवरण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को यहां पर टी से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपसे कहता है कि वीटी ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बताना है और बताना है कि त्वरण जीरो कब होगा तो त्वरण जीरो तब होगा बच्चों जब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे समांतर होंगे ऑप्शन बी जाएगा यहां पर सही अगर इस तरीके से कोई ग्राफ यहां पर रिप्रेजेंट है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहां पर एक्सीलरेशन जीरो है क्योंकि ए का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है a इज इक्वल टू होता है v अपॉन t मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को आप एक्सीलरेशन या त्वरण बोलते हैं तो एक वैल्यू जीरो तब होगी जब वालोसिटी और टाइम का ग्राफ जीरो होगा मतलब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो फिर आंसर जीरो बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकंड होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई सेकंड आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पर पहला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आ गया होगा आई थिंक सो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करो फटाफट से देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर दिखा है कि प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही है मैंने एक कार बना ली एक ब, एक कार बना लेते हैं ये एक कार है भाई ठीक है ये सेम वालो से चल रही है एक ही स्पीड पर चल रही है उस पर एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तवरण बारह सेकंड तक लगा ठीक है तो टाइम यहां पर आपको दिया है बारह सेकेंड एस्कलारेशन तवरण दिया है यहां पर एजिकल टू दिया है वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपको दिया है इसके फलस्वरूप बारहवें सेकंड में है ना आपसे कौन से सेकंड में पूछ रहा है टी की वैल्यू पूछ रहा है ट्वेल्थ सेकंड में बारहवें सेकंड में ठीक है ये पूछ रहा है उसने जो दूरी तय की है वो की है 190 नाइनटी यहां पर एस जो है वो 190 मीटर उसने तय किया तो वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा देखो बच्चों आपको क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दी गई है इसे क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपके साथ जुड़ूंगा वालोसिटी uh, की जो इक्वेशन है जो गति की इक्वेशन है उनके रिगार्डिंग तो यहां पर गति की चार इक्वेशन होती है ठीक है पहली इक्वेशन है v इज इकल टू यू प्लस ए टी सेकेंड इक्वेशन है एस इज इकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इकल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस ठीक है और एक इक्वेशन है आपके पास s एट टाइम टी इज इक्वल टू u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन ये एस टी तब लगाते हैं जब वो स्पेसिफिक टाइम की बात करें जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बारहवीं सेकंड में कितनी होगी तो आपको गति की फोर्थ इक्वेशन लगानी है ये वाला फॉर्मूला लगाना है क्वेश्चन अप्लाई करना है आंसर निकल के आपके पास आ जाएगा ये आपने राइट डाउन कर लिया होगा हमारे पास सारी वैल्यूज दी हुई है मैं उपर कर देता हूं को। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई ये वाला फॉर्मूला लगेगा ये मैंने यहां पर रखा तो मेरे पास फॉर्मूला है भाई है ना एस टी मेरे पास है दूरी उन्होंने दी है क्वेश्चन में ठीक है 190 मीटर यू वेलोसिटी जीरो क्योंकि अभी जब गाड़ी चली होगी उससे पहले तो रुकी होगी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है प्लस हाफ ए आपको दिया हुआ है वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू टाइम की वैज बात करें तो बारहवें सेकंड की बात पूछ रहा है माइनस वन आपके पास आपको बताना क्या है भाई आपको बताना है प्रारंभिक वेग कितना होगा मतलब यू बताना है तो ये जीरो नहीं मानेंगे यहाँ पर यू की वैल्यू तो निकालनी है हमें ठीक है तो वन नाइन्टी इजिकल टू यू प्लस बारदूनी चौबीस चौबीस में से एक ग्यारह तेईस ट्वेंटी थ्री बाई टू यू ये इधर चला जाएगा तो यू इक्वल टू वन नाइन्टी माइनस ट्वेंटी थ्री बाई टू आप इसको सोल्व करेंगे आंसर आपके पास होगा आप इसको सोल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा अगर मैं इसे ऐसे डिवाइड कर दूं, तो ये वन बार देन अगेन वन बार तो आ गया आपका एलेवन पॉइंट फाइव आप एक सौ अस्सी सॉरी एक सौ नब्बे में से क्या करें ग्यारह दशमलव पाँच घटा लीजिए भाई है ना ग्यारह दशमलव पाँच अगर आप एक सौ नब्बे में से घटाते हैं तो आपके पास वैल्यू बनेगी वन ठीक है 178.5 देखें ऐसा कोई ऑप्शन है क्या भाई हाँ जी थर्ड ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास था ये इस तरीके से देखिए गति की इक्वेशन पे हर साल सवाल आता है अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर उठा के देखें आपको बिल्कुल मिलेगा क्वेश्चन तो ये गति की चारों इक्वेशन मैंने इसीलिए लिखी आपको इसको अप्लाई करना आना चाहिए कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होती है आप बिल्कुल बेफिक्र बेफिक्रें बिल्कुल क्वेश्चंस आपके सारे डिस्कस कराए जाएंगे कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके पास नंबर थर्ड अगर मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो जल्दी से देखें भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई पिंड विराम अवस्था में चलना शुरू करता है मतलब वो विराम अवस्था से चलना शुरू करता है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है अब उसने चलना शुरू कर दिया यदि उसका त्वरण दस मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है अब वो पूछ है 10वें सेकंड पर उसने कितनी दूरी तय की तो मतलब t इज इक्वल टू 10th सेकंड और आपसे क्या पूछ रहा है एस की वैल्यू पूछ रहा है यही वाला फॉर्मूला लगाना है भाई एस इज इकल टू यू प्लस ठीक है एक मिनट ही फॉर्मूला लगाना है जो अभी आपने लगाया था एस टी इज इकल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन ये वाला फॉर्मूला लगाना है ए की वैल्यू दी हुई है ठीक है जल्दी जल्दी लगाते चले जाओ जीरो प्लस हाफ प्लस ए की वैल्यू है आपके पास दस और दसवें सेकेंड में पूछ रहा है तो दो गुना दस माइनस वन जीरो प्लस फाइव और ये आ गया आपका नाइन नाइन फाइव फोर्टी फाइव तो एस इक्वल टू फोर्टी फाइव देखिए भाई ऑप्शन कहीं को दिख रहा है क्या मैच हो रहा है क्या एक बार दोबारा देख लेते हैं हाँ जी ए की वैल्यू आपके पास टेन मीटर पर है यू ज़ीरो मान लिया आपने हाफ ठीक है और आ, ये हो गया जी हाँ ठीक है दस की वैल्यू रख दी टू टी माइनस वन आ गया तो दो दुनी दस दस दुनी बीस बीस में से एक गया सॉरी यहाँ हम मिस्टेक कर गए भाई कैलकुलेशन मिस्टेक है सॉरी दस की वैल्यू रखिए दस दूनी बीस बीस में से एक गया उन्नीस बचेगा ठीक है तो उन्नीस पंजे 95 तो यहां आंसर आपका बनेगा 95 मीटर ठीक है तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन इस ऑप्शन का इसका जो बात है वो ओ ए आएगा तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसका आंसर बनेगा ए दैट इज 95 आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर इस तरीके से करना है यू की वैल्यू जीरो दी थी ए की वैल्यू दस दी थी टी की वैल्यू दी थी फॉर्मूले में लगाया आंसर निकाल लिया बिल्कुल ईजी है ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है थीके? अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कोई नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक लिफ्ट नीचे उतर रही है एक व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है तो उसमें तवरण लिफ्ट के फर्श पर क्या होगा तो जब आ, नीचे से ऊपर जाते हैं ठीक है क्योंकि सिक्का ऊपर गया है तो जी की वैल्यू प्लस रखते हैं जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो जी की वैल्यू नीचे मतलब माइनस में रखी जाती है ये आपको ध्यान रखना है मतलब सॉरी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वो कह रहा है कि एक लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो जी की वैल्यू आपको प्लस में रखनी पड़ेगी ठीक है जी की वैल्यू प्लस में रखेंगे मतलब ये किस तरीके से समझ सकते हैं आप आ, जस्ट ए मिनट एक मिनट हो गए यहाँ से आपको सही समझेगा ये एक पेन है अगर मैं इस पेन को नीचे ड्रॉप आउट कर दूँ तो ये वालोसिटी नीचे जाएगी ठीक है जब कोई चीज नीचे जाती है तो जी की वैल्यू प्लस में रखते हैं और जब कोई ऊपर जाती है तो जी की वैल्यू माइनस में रखते हैं ये कह रहा है कि नीचे जा रही है लिफ्ट इसलिए मतलब जी की वैल्यू प्लस में रखनी पड़ेगी तो आंसर हो गया बी तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी दैट इज प्लस जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जी यहां पर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताइएगा जरूर भाई है ना मैंने कहा है कि अगर कोई पार्टिकल नीचे जाता है तो जी की वैल्यू प्लस और अगर ऊपर जाता है तो जी की वैल्यू माइनस ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है ठीक है देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला है क्वेश्चन जल्दी ही जी बच्चों यहां पर आप लिखा है क्वेश्चन में कि एक वस्तु विरावस्था से कुछ दूर चलकर रुक जाती है मतलब वो पहले जीरो पे थी फिर वो थोड़ा सा चली और चलकर रुक गई ठीक है इस वस्तु के प्रारंभिक वेगम अंतिम वेगों का अंतर कितना होगा ठीक है तो यहां पर वॉलोसिटी का जो वेग है भाई है ना वो उनका जो डिफरेंस है वो फाइनल अपॉन इनिशियल होता है और यहां पर वैल्यूज आ जाएगी जीरो इस क्वेश्चन को लर्न भी कर सकते हैं आप कि अगर कोई पार्टिकल चलना शुरू कर दे और फिर रुक जाए तो अब तो उसका वालोसिटी का जो डिफरेंस है वो जीरो ही रहेगा तो आंसर इज़ ए दैट इज शून्य तो यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ए बनेगा जिसे आप जीरो या शून्य बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक गतिमान पिंड के वर्ग के अनुकर्मानुपात में दूरिया तय कर रहा है प्रण का तवरण क्या कर रहा है ठीक है क्योंकि यहां पर वो कह रहा है कि एक जो गतिमान पिंड है मतलब एक पार्टिकल है जो कि मतलब वेलोसिटी में है मूवमेंट में है तो यहां पर पूछ रहा है कि उसके त्वरण पर क्या फर्क पड़ेगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई सेम रहेगा आप जानते हैं ए इज इकल टू वी अपॉइन्ट टी होता है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो टाइम भी तो बढ़ रहा है तो ये दोनों के दोनों इक्वेलेंट रहेंगे तो यहां पर आंसर आ जाएगा नियत रहेंगे मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा कोई चेंजेस नहीं होगा तो छठा क्वेश्चन जो आपका है इसका आंसर बनेगा डी ठीक है सिक्स क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ आया तो आगे बढ़े भाई अगला क्वेश्चन है आपके पास ठीक है फिर आपके पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है ठीक है ये मैंने छः तक कर दिए हैं क्वेश्चन इनको रब कर देते हैं आप सारे क्वेश्चन के आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और बाकी बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत है नहीं ये सभी क्वेश्चन जो आप मेरे साथ कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपको हमारे ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगे आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जा रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि उनकी पीडीएफ आपको मिल जाए विद आंसर की तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है आपको हमारे ऑफिशियल ऐप पर जाना है ठीक है जो कि आप गूगल से गूगल के प्ले स्टोर पर जाइएगा मतलब अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाइए वहाँ पर आपको क्या करना है वहाँ पर आपको जेई क्लासेस मेरठ जो है उसको टाइप करना है और यहाँ पर जैसे इंस्टॉल दिखा हुआ है तो इंस्टॉल वाले पे आप क्लिक करेंगे आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और इस ऐप के अंदर आपको जितनी भी क्लासेस मैं करा रहा हूँ वो सभी क्लासेस के पीडीएफ सभी क्वेश्चंस और आंसर आपको वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे ठीक है और इसके साथ साथ जो टेस्ट पेपर हम आपके लिए स्पेशल में कंडक्ट कराएंगे फॉर पॉली एंट्रेंस एग्ज़ाम टू लेटेस्ट जो सलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर हम आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो भी आपको ऑफिशियल ऐप पर ही मिलने हैं तो जल्दी से जल्दी काम क्या करना है जल्दी से जल्दी आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए जैसे ही मेरी क्लास खत्म हो जाए तो जिन बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो तुरंत सबसे पहले ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां पर सारे साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे ठीक है चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेवन आई थिंक सो हाँ जी क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन है आपके पास कि एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी ठीक है चालीस uh, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बाकी साठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है तो उसकी औसत चाल कितनी होगी इसने कहा भाई uh, एक पार्टिकल है ए एक पार्टिकल है बी ठीक है और इसके बीच में दूरी सी इन्होंने कहा कि एक गाड़ी चलती है जो ए से सी चालीस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है बाद में साठ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है ठीक है आपसे पूछ रहा है औसत चाल क्या है तो औसत चाल या एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ठीक है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाना है ठीक है यहां पर अगर मैं मान लूँ कि इसकी डिस्टेंस है डी इसकी डिस्टेंस है डी ठीक है इसमें टाइम लगा टी वन इसमें टाइम लगा टी टू तो मैं अगर टाइम की बात करूं तो टी वन इगल इज इगल टू डिस्टेंस अपॉन वैलोसिटी मतलब अपोन फोर्टी इसी तरीके से t2 की बात करूं तो d अपोन सिक्सटी आ गया आपके पास तो हमें करना क्या है भाई एवरेज वैलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोनों को जोड़ दो भाई डिस्टेंस कितना है d 40 डी अपोन फोर्टी प्लस डी अपोन सिक्सटी अपोन में टोटल टाइम कितना हो गया टी वन प्लस टी टू ठीक है इसको सॉल्ट आउट कर लीजिएगा आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है लगभग 48 आना है आपका आंसर ठीक है तो डी अपॉन फोर्टी नीचे आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर बन जाएगा अगर ये थोड़ा पजल करता है आपको अगर आपको ये पसल करता है तो आप क्या करें आप टाइम निकाल लीजिए मैंने मान लिया कि एक किलोमीटर चलना है और 40 मिनट लगते हैं तो वन अपॉन फोर्टी प्लस वन अपॉन सिक्सटी कर लीजिएगा तो करना क्या है नहीं है करना क्या है 40 इंटू सिक्सटी अपोन वन हंड्रेड कर लो आंसर आ जाएगा छः चौक चौबीस दो सौ चालीस बटे हंड्रेड जीरो से जीरो कट गया या आ गया टू पॉइंट फाइव क्योंकि दो बार गुणा करनी है तो आपका आंसर आएगा फोर पॉइंट एट लगभग अड़तालीस यहाँ पर आंसर बनेगा तो ये आपको ध्यान रखना है भाई ठीक है इस तरीके से करना चाहे इस तरीके से कर लें नहीं तो बेसिक फॉर्मूला यही है ठीक है एवरेज वैलोसिटी का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपको यहाँ पर लगाना है ठीक है इस तरीके से आंसर बन जाएगा तो ये जो क्वेश्चन है भाई इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए ठीक है तो सातवां नंबर जो क्वेश्चन है सातवें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए दैट इज़ फोर्टी एट आठवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में गिरती है है ना तो उस पर वस्तु पर 2h दूरी गिरने में कितना वेग लगेगा तो आपको इसमें लगानी है गति की तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस टू जी एच है ना ये वाला एक फॉर्मूला होता है ठीक है ये वाला एक फॉर्मूला है कि वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच ठीक है और यहां पर आपको क्योंकि विरामावस्था में इसलिए u की वैल्यू तो आपके पास हो गई जीरो टू जी और हाइट कितनी है भाई h की बात करें तो क्वेश्चन में दिया है टू एच तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए टू एच से आंसर आ जाएगा फोर जी एच वी स्क्वायर की वैल्यू है ये और v इजिकल टू रूट के अंदर फोर जी एच दिस इज द आंसर मैच करें भाई तो आपके पास आंसर बन गया हाँ दो दूनी चार फोर जी आना चाहिए भाई आंसर है ना इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें ठीक है हाँ. फोर जी आना चाहिए टू जी इंटू टू एच होगा और टू जी इंटू टू एच टू इंटू टू फोर फोर जी एच हाँ आंसर बनेगा बच्चों. दैट इज फोर जी एच तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन बी है भाई हाँ बी ऑप्शन ठीक है हाँ वो मुझे चेक नहीं दिख नहीं रहा था बी इज़ द करेक्ट आंसर मैं सोच रहा कि ऑप्शन ही नहीं है ऐसा जी बी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वो थोड़ा फॉर्मूला रूट लगा हुआ है ना तो वो मुझे फोर चमका नहीं मैं कह रहा यार तो क्वेश्चन में गलती होगी मैंने तो टैली किया था हम लोग बहुत अच्छे से टैली करते हैं ठीक है जहाँ पर भी टाइप होते हैं जो हमारी टीम लगी हुई है वो बहुत शानदार मैम है और बहुत तरीके से टाइपिंग करती है मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होती हैं फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं तो मैं खुद अचंभे से मैं आ गया कि ऐसा कैसे हो गया भाई आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है ठीक है इसका तवरण क्या होगा जब वैलोसिटी सेम है तो तवरण हो जाएगा आपका जीरो अभी पहला क्वेश्चन भी कराया था जब मैंने ग्राफ के बारे में बात की थी तो अगर वैलोसिटी सेम है, तो फिर तवरण जीरो हो जाएगा क्योंकि तवरण क्या होता है इज़ इक्वल टू वी अपॉन टी क्योंकि v की वैल्यू नियत है इसलिए ए की वैल्यू हो जाएगी शून्य जीरो बी तो शून्य अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई एक पत्थर के टुकड़े को 100 मीटर पृथ्वी से 1000 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने हेतु क्योंकि ऊपर जा रहे हैं पहली बात तो यहाँ खत्म होगी किस वेग से फेंकना होगा वेलोसिटी बतानी है ठीक है करना क्या है भाई वेलोसिटी बताने के लिए आपके पास फॉर्मूला है v टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस प्लस नहीं लगाएंगे माइनस लगाएंगे माइनस क्यों लगाया क्योंकि ऊपर जा रहे हैं जब ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स को जीरो जी जो होता है उसको माइनस में लिखते हैं और जब नीचे आते हैं तो प्लस में लिखते हैं तो यहां माइनस लगाएंगे फॉर्मूला लगाइए आंसर बना लीजिए ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा यहाँ पर एक मीटर पर सेकेंड ठीक है वन मीटर पर सेकेंड ठीक है वैलोसिटी निकालनी है ठीक है यू की वैल्यू जीरो माननी है टू की वैल्यू आपको पता है टू होती है एस्कलारेशन इन्होंने दे नहीं रखा ठीक है एस की वैल्यू यहां पर इन्होंने एक हजार दे रखी है ठीक है तो यहां पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ठीक है तो यह वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है अगर दिक्कत आती है तो ज्वाइन कीजिएगा मेरे साथ फॉर्म सिंपल लगाना है अगर कोई प्रॉब्लम आएगी आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ठीक है यहाँ पर जल्दी से देखिए भाई कि किसी यौगिक के किसी, किसी युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं होती इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे गुणित अनुपात की नियम की पुष्टि नहीं होती है देखिए गुणित अनुपात का जो नियम है वो अगर मैं बात करूँ तो डाल्टन ने दिया था इन्होंने कहा था कि फ्रैक्शन में होता है जितने भी ये एलिमेंट हैं ये सब एक फ्रैक्शन में हैं कि वन अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात इस तरीके से है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर सी की दैट इज़ सी और एच तो यहाँ पर इनका कोई मैच नहीं है है ना ये दोनों के दोनों किसी अनुपात में नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यूज़ भी अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर आठ सोलह 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 बत्तीस बत्तीस और बारह यहाँ पर हमारे पास आगे चवालीस और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास आ गया टू प्लस बारह प्लस सोलह तिया अड़तालीस तो ये आपका आ गया साठ बासठ तो यहाँ चवालीस और बासठ का कोई रेशो नहीं बनता है तो यहाँ वन अनुपात टू में या थ्री में नहीं आ रहा है इसलिए हमने इसको आंसर लिया है सी इज़ द करेक्ट आंसर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है ठीक है आप देख लीजिए फटाफट से ठीक है ये इस तरीके से हो रहा है भाई है ना कोई मैच नहीं कर रहा और गुणित अनुपात में जो रेशो आते हैं वो एक अनुपात दो अनुपात तीन का आता है ये आप जानते हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जल्दी से देखिए फटाफट जी गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले युग्मों का हाँ इन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो यहाँ पर ठीक है अगर हम बात करें कि गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिकों का हैं। तो भाई यहां पर आपको क्या आंसर लगाना है एक ऑप्शन दिया है आपके पास क्या चीज एम जी थ्री और एम जी ओ एक ऑप्शन दिया है यहाँ पर CO और CO2 टू एक ऑप्शन दिया है एन ए सी एल एन ए बी आर एक ऑप्शन दिया है वाटर मोलिक्यूल और डी टू ओ ठीक है तो यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है सी CO और सी टू ठीक है CO और CO2 टू की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए एक फ्रैक्शन ऑफ रेशो आपको दिखाई दे रहा है एक साइड में CO की बात करें ठीक है तो बारह और यहां पर सोलह ये आपके हो गए अट्ठाईस और CO2 टू की बात करें तो यहां पर सोलह और सोलह बत्तीस बत्तीस और बारह हो गए आपके चवालीस ठीक है तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई इसको डिवाइड करना जरा वन फोर टू टू है ना तो ये अगर मैं सात से डिवाइड कर दूं सात दुनी चौदह और सात या इक्कीस दशमलव कुछ मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है टू पॉइंट थ्री का रेशो आ रहा है तो दैट इज बी बी इज द करेक्ट आंसर तो इस बी वाले ऑप्शन को आप टिक कीजिएगा सी CO ओ और सी ओ टू जो है वो यहाँ पर गुणित अनुमान अनुवाद की पुष्टि करते हैं ये क्वेश्चन आपका कवर हो गया आप जल्दी से चाहें तो इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर बात कीजिएगा भाई ठीक है सी ओ और सी ओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन कहता है कि जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखने वाला है बस हाँ जी एक पात्र में 170 ग्राम ए जी थ्री रखी गई है AgNO3 थ्री किसे कहते हैं भाई सिल्वर नाइट्रेट है ना ए जी थ्री एक सत्तर ग्राम रखा गया है आगे बढ़े भाई तो 58.5 ग्राम एन ए सी एल है एन ए सी एल मतलब टेबल साल्ट है ना कोमन नमक जिसे आप कहते हैं 58.3 ये आपको दिया है ग्राम में ठीक है सॉरी 58.5 है भाई है ना 5 ग्राम आपसे क्या कहता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराई और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान कितना होगा उतना ही होगा भाई हमने एक रूल पढ़ा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यूज़ बराबर होती है मतलब अगर मैं यहां पर ऐसे बोल दूं कि भाई ए प्लस बी तो यहाँ पर अगर जो भी कोई प्रोडक्ट बनेगा ठीक है जैसे मैं यहाँ कुछ भी बोलता हूँ कि ये 100 ग्राम है ये 50 ग्राम है अब अगर सी प्रोडक्ट बना है या डी प्रोडक्ट बना है तो ये 75 है तो ये भी 75 ही होगा और अगर मैं ये कह दूँ कि ये 120 है तो ये 30 होगा मतलब इसका अमाउंट और इसका अमाउंट बराबर होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होते हैं तो उतना ही होगा तो थर्टीन क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है इसका आंसर अं बनेगा सी उतना ही होगा मतलब कोई फर्क नहीं आएगा सेम रहेगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हमेशा बराबर होते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी अगला क्वेश्चन देखिए भाई ठीक है अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके सीओ टू और वॉटर मॉलिक्यूल बनाते हैं इन्होंने कहा कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बना लिया सीओ टू कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की बना लिया सी एच फोर है ना वाटर मोलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और बना लिया एच टू ओ वाटर मोलिक्यूल यहां पर अगर आपसे बात करें तो आपको क्या करना है भाई यहां पर इसके द्रव्यमानों में अनुपात कितना होगा यह आपको बताना है तो एक काम करते हैं दोनों का मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं दोनों का अणुभार निकाल लेते हैं ठीक है अनुभार निकालो भाई अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहाँ पर अभी आपने निकाला सोलह सोलह बत्तीस बत्तीस और बारह चवालीस इसका तो आ गया चवालीस और अगर मैं इसका निकालूं तो सोलह और दो अट्ठारह इसका आ गया आपका अट्ठारह ठीक है चवालीस और अट्ठारह का बात आ रही है ठीक है ठीक है ये आपका आ गया जी तो यहां पर आपको क्या बताना है इनके द्रव्यमानों का अनुपात बताना है कितने कितने ऐड किए हैं कितने कितने जुड़े हैं अब मैं सी टू की बात करूं तो सी टू में दो ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ जुड़ते हैं ठीक है दो ऑक्सीजन सोलह और सोलह बत्तीस बत्तीस और अगर मैं कार्बन की बात करूं तो दैट इज सिक्स है ना और सिक्स का मतलब डबल कर दिया जाए तो बारह बैठता है है ना और इसी तरीके से अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसका आंसर आया आपके पास अट्ठारह और यहां पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ते हैं ठीक है मतलब टू अपॉन एट्टी का रेशो आना चाहिए तो यहां पर जो इसका आंसर बनेगा आंसर बनेगा भाई सिक्स रेशो टू मतलब इन दोनों के बीच में जो अनुपात रहेगा वो सिक्स और टू का होगा ये आपको ध्यान रखना है ठीक है सिक्स रेशो टू का अनुपात यहाँ पर डिस्कस करके चलना है फोर्टीन नंबर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये है भाई ठीक है अनुपात के सवाल आते हैं पेपर में आप उसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा ठीक है बहुत आसानी से आपके हो जाएंगे ठीक है इन्होंने कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े है ना C और H जुड़े तो उनके बीच में द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा तो देखो यहां पर करना कुछ नहीं था बड़ा आसान था ये क्या कह रहा है C और H जुड़े देखिए है ना तो C का कितना हो गया 12 इसका कितना हो गया आपका 1H1 1 ही रहता है तो इसका ठीक है लेकिन सी वाटर के हाइड्रोजन के कितने है दो तो वन प्लस वन टू कार्बन का कितना है एक तो यहां पर बारह माना तो हमारा रेशो जो आया वो आया सिक्स रेशो टू सिक्स रेशो टू मैंने यहां से बनाने की कोशिश की है सी एच फोर बनेगा मैथिन गैस जिसे मार्श गैस या दलदल वाली गैस भी बोलते हैं ठीक है चलो तो सिक्स रेशो टू आपके पास आंसर आया अगले क्वेश्चन को देखो भाई कि द्रव्य की अविनाशता का नियम है ना निम्न में कहते किस अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है तो द्रव्य की अविनाशता मतलब कि द्रव्य जो है लिक्विड सोलिड गैस है ना उनको द्रव्य बोलते हैं वो ठोस भी हो सकते हैं द्रव्य भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं ये कभी खत्म नहीं होते ये नाभकीय अभी के में गलत बात है क्योंकि वहां पर ऐसा हो सकता है कि के हो जाए तो ज्यादा एनर्जी मिलने की वजह से पार्टिकल टूट जाए या खत्म हो जाए तो बीस क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर बी 15 का आंसर है बी नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए ये वैलिड नहीं है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जल्दी से फटाफट देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अब ये देखो बच्चों याद करने वाला क्वेश्चन है इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका कि किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि से बनाया जाए मतलब उसको आप किसी भी रिएक्शन से बनाते हैं उसमें उपस्थित जो तत्व है उनका अनुपात हमेशा एक जैसा रहता है स्थिर रहता है ठीक है ये प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने बताया था दैट इज बी आपने टेंथ क्लास में पढ़ा है प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने यह बात बताई थी आपको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है ठीक है तो प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पूछता है सवाल बार बार पूछा है क्वेश्चन तो यहाँ पर इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करके चले मतलब सिक्सटीन नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी बनेगा प्राउस्ट ठीक है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है जल्दी से फटाफट से देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है भाई अब क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की अगर मैं बात करूं तो लिखा है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं मैं एक काम करता हूं एक एटम ही बना देता हूं एक परमाणु आपके सामने डायग्रामेटिकली बना देता हूं देखिए एक परमाणु के अंदर क्या होता है परमाणु के अंदर बच्चे प्रोटॉन होते हैं परमाणु के अंदर बच्चे न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं मैंने ये बातें बताई तो एक परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटोन है और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काट रहे हैं इसलिए आंसर P प्लस एन प्लस ई नहीं होगा आंसर होगा P प्लस एन कि भाई परमाणु के अंदर कौन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है अब ऑप्शन देखो कौन सा बी हाँ जी तो सत्रहवें क्वेश्चन का आंसर भी बी रहेगा कि परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए मैं हट जाता हूं आपके लिए है ना जल्दी से आप देख लीजिए आप चाहें तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं आपको याद रहेगा हमेशा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं ठीक है चलिए सत्रह नंबर क्वेश्चन हो गया आपका अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था तो यहां पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है बेकेरल है ना एटीन क्वेश्चन है सी ऑप्शन है इसका बेकेरल अब इसे याद करना पड़ेगा भाई बेकेरल नाम के साइंटिस्ट ने ठीक है बम्बार्ड कर दिया न्यूट्रॉन का एटम के ऊपर जिनसे एटम टूट गए तो परमाणु को सबसे पहले किसने विभाजित किया था बेकेरल ने किया था डाल्टन ने तो बताया था एटॉमिक थ्योरी के रेस्पेक्ट में कि भाई जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है सभी पार्टिकल्स जो है उनका वजन बराबर होता है थॉमसन की अगर हम बात करें तो जे जे थॉमसन ने यहाँ पर परमाणु के लिए मॉडल दिया था ठीक है तो यहाँ पर बैकेरल की बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 18 का सी आंसर जाएगा अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है भाई क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो आप आ, देखें भाई स्क्रीन पर डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार मतलब जो डाल्टन ने कॉन्सेप्ट समझाया कि सभी पार्टिकलों का वजन बराबर होता है वह सूक्ष्म कण वह सबसे छोटा वाला कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है जो फ्री मूव कर सकता है जो फ्री स्टेट में सर्वाइव कर सकता है वो क्या कहलाता है दैट इज परमाणु उसे परमाणु बोलते हैं भाई तो नाइनटीन्थ का बन गया बी हम सब लोग परमाणु से मिल के बने हैं हम सब एटम से मिल के बने हैं ये प्लांट ये एनिमल ये पेन ये बोर्ड ये सब कुछ एटम से बना है अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं केमिस्ट्री में एटम के बिना कुछ बन ही नहीं सकता और हमारी लाइफ में भी एटम के बिना कुछ नहीं बन सकता सबसे पहले जैसे ही धरती बनी सबसे पहले एटम ही बने उन्हीं से हम सब बने हैं ठीक है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ देखें लिखा है कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक दिया है परमाणु क्रमांक को मेरे प्यारे बच्चों हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा इन्होंने दिया है उन्नीस है जी परमाणु क्रमांक और उसका परमाणु भार दिया है थर्टी नाइन परमाणु भार को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा आप टेंथ क्लास में पढ़ के आए हैं आपसे पूछ रहा है कि उसमें न्यूट्रोनों की संख्या कितनी होगी एन की क्वेश्चन कितना होगा आप जानते हैं कि जितना जेड होता है उतना ही पी होता है तो यहां पर मैंने पी की वैल्यू भी निकाल ली पी की वैल्यू भी नाइन आएगी ना क्योंकि आप जानते थे कि जेड इजिकल टू पी प्रोटोन और जेड जो होते हैं वो नंबर नम्ब, में बराबर होते हैं इसलिए आपने पी की वैल्यू भी नाइन नाइनटीन लिख दी अब आपने फॉर्मूला लगाया एक फॉर्मूला है हमारे पास ए इजिकल टू पी प्लस एन अब मुझे एन निकालना है तो मैंने कहा ए माइनस पी ए की बात करूं तो थर्टी नाइन और पी की बात करूं तो नाइनटीन आंसर बन गया ट्वेंटी तो अब नैन की वैल्यू आ गई ट्वेंटी तो यहाँ नाइट न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में आंसर चाह चला गया भाई दैट इज़ 20 तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई तो यहाँ पर आप देखिए कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक आपको दिया था परमाणु भार भी दिया था आपसे न्यूट्रॉन पूछ रहा था तो आपने क्या किया आपने परमाणु भार में से प्रोटॉन घटा दिए तो 39 नाइन माइनस नाइनटीन दैट इज ट्वेंटी तो आंसर इज बी तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी तो यहाँ पर बच्चों ये वाला आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो बच्चों यहाँ पर आज हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के मतलब भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान दोनों विज्ञानों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं तो आप मेरी वीडियो को देखने के बाद क्योंकि आप मेरे साथ बहुत सारे बच्चे लाइव जुड़ते हैं मेरी वीडियो को देखने के बाद एक बार और रात को जरूर इस वीडियो को देखा करें और अपने क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करें और ताकि आप पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दो में बहुत शानदार मार्क्स के साथ सफल हो सके और अपने मां बाप के सपनों को पूरा कर सकें आज के क्लास को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं कल दोबारा मुलाकात होगी कुछ और फिजिक्स और केमिस्ट्री के शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ तो आज की क्लास के लिए इतना ही मिलेंगे कल धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत